रवीश जी, हमारे जो इस वार्तालाप का जो टाइटल हुआ है हिंदी टीवी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, क्या स्वरूप बदल रहा है और अच्छे के लिए बदल रहा है या बुरे के लिए बदल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वरूप बदल गया है, खासकर टीवी चैनलों का। अभी जो पहले यहाँ एंकर बैठ कर बात कर रहे थे, क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो पूरा ध्यान नहीं हो रहा, लेकिन वाकई मासूम है या वो मैं तो देख कर अपनी बात बदल लेती हूँ। तो जिस तरह वाकई मासूम है या मैं बहुत ही मासूम हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं सबकी तरफ इशारा कर, मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, मुझे उससे कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे बता रहे थे जैसे एंकर बेचारे होता हो, कोई इधर से कोई छूट देता है, कोई उधर से छूट देता है, वो बात नहीं है। आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं। थैंक यू, पहली बार मैंने ट्रैफिक तोड़ के रेड लाइट क्रॉस करके निकल जाता हूँ और पुलिस वाला नहीं देखता है, लेकिन दिमाग में बात आ जाती है कि हमने तो गलती किया, बिल्कुल बच गया, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बात समझ में आती है। तो इस वक्त का जो हिंदी मीडिया है वो निहायत ही डरपोक और चमचा तो है ही, लेकिन उससे ये दौर रहा है मीडिया का हमेशा, मगर ना कि मीडिया कभी भी इतना खतरनाक नहीं है। जो भीड़ बनाने वाला, भीड़ को उकसाने वाला मीडिया इतना कभी खतरनाक नहीं था, तो इसको लेकर चिंता करनी चाहिए। हाँ, उनका धंधा जरूर चल रहा है, धंधा उनका चल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सबकी इंक्रीमेंट कम से कम 40% होनी ही चाहिए, होती होगी। लेकिन ये जो एक दौर आया है न्यूज एंकरों का, भीड़ को उकसाने का, वैसी भाषा बोलने का, और टेलीविजन की स्क्रीन पर जिस तरह की भाषाएं लिखी रहती हैं, अच्छा लगता है कि अगर यहाँ जो एंकर बैठ कर बात कर रहे थे उस पर भी रिफ्लेक्ट करते तो अच्छा लगता है। तो इतना सब कुछ मासूम मासूम नहीं है। ये जो टेलीविजन का दौर है, ये दौर ये है कि कैसे यहाँ बैठे हुए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे और निरंतर लगातार एक अदर्स की पहचान होती है, तो हम कैसे आपके भीतर अपने दुश्मन की तरह आपको देखने की प्रक्रिया हो जाए। कोई घटना होती है तो हम आप ही को गाली देने वाले, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये व्हाट्सएप की दुनिया में एक पॉलिटिकल दायरे से इसको बनाई गई है, इस आर्गुमेंट का बेस को एंकर या टेलीविजन जो है एम्पलीफाई, आप एम्पलीफाई करते हैं तो वो एक जो कंटिन्यूटी बनती है ना, उसमें वो जो न्यूज एंकर ना वो कहता है कि हम पे रोज आके जो आरोप लगा देते हैं, इतना मासूम बात नहीं है, इतनी है। काश अगर हम इस तरह की चर्चाओं में उनका ही कार्यक्रम यहाँ पर प्ले कर देते और तब बात करते तो फिर और तस्वीरें सामने हो। देखिए रवीश जी, यहाँ भी विभाग है, प्लीज इनका हौसला अफजाई कीजिए। नहीं, हम मिसाली नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी मैं यही बात करूँगा कि मैं फील्ड में भी चलता हूँ और अकेले भी चल सकता हूँ। समाचार और मीडिया देना, पत्रकार और एंकर इतने मासूम नहीं होते। नहीं नहीं, ये लिखिए कि एंकर गुंडों की भाषा बोलने लगे, भीड़ लोग साथ हैं, मासूम तो मैंने यहाँ चर्चा की मर्यादा को देखते हुए। अब आप जो देख पा रहे हैं ये अभिषेक जी ऐसी हेडलाइन लिखते कि मैं भी बोल के पढ़ता हूँ, खबर पता होती है उसके बावजूद भी ऐसी हेडलाइन जाने क्या किया है उन्होंने। अब बात ये है कि आप सबकी अपनी एक राजनीतिक प्राथमिकता है, वो सही है, उसकी वजह से आप इस चीज को देख नहीं रहे, लेकिन जान तो रहे हैं क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज गलत नहीं पता चलती, पता तो चल रहा है। हाँ, वो आपका कोई शौक हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स है, आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, कर लीजिए, वो एक दौर आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ताली बजाने से पहले सोचिएगा कि ताली आपने अच्छे शेर पर बजाई है या किसी को दी गई गाली पर बजाई है, याद रखिएगा। क्या बात है, अब आपने बोला कि ट्रेंड तो आई गया कि हाँ एंकर उकसा रहा है, हाँ ये ट्रेंड नहीं है, अलग ये ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज, हाँ ये ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मैं एंकर लेवल पे बात करता हूँ, क्या ये इंग्लिश टीवी पत्रकारिता से शुरू हुआ और फिर हिंदी में आया क्या? और क्योंकि इंग्लिश में खेलो था जनरली, जो हिंदी पत्रकारिता सरकार ने चेंज करती है या
करती है कॉन्वर्सेशन को, ये कहाँ से आया, क्यों आया, थोड़ा उस पर ये अच्छा सवाल है। इसको एक पर्सपेक्टिव पे समझना चाहिए कि हुआ यूं कि देखिए आपने कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को देखा होगा, हमारे देश के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दम नहीं है, बहुत अच्छे पत्रकारों को रखकर एक हाई एंड जर्नलिज्म करते हुए उसको लेके ले जाएं और उस टकराव उस कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त करें। लोग फेजेस में करते या एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में दो लोग होते हैं या तीन लोग होते हैं, इस तरह से चलता रहा। एक दौर आया कि जब रिपोर्टर छाए टीवी पे, अब उनको हटाना था तो उसकी जगह डेस्क वालों ने कब्जा किया और उनको प्राथमिकता मिली जो 30 सेकंड के फुटेज को लेके और वो बनाने लगे। तो हिंदी वाले क्या करते थे, हिंदी वाले चले गए शमशान में, हाँ जो जिस दुनिया से आए थे अपने आसपास के शमशान में चले गए, भूत प्रेत किलों में खोजने लगे, एक को चला गया था वहाँ स्वर्ग लगा के सीढ़ी खोजने चला गया था, तो ये सब करने लगे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी में कोई बहुत अच्छा हुआ था। एक हिंदी चैनल को चला रहा था 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, अब 2018 आ गया उसमें चला जाएगा। मैंने नहीं कभी बोला ऐसा, ना मैं इसमें बोल सकता हूँ, लेकिन ये हिंदी चैनल कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी चैनल तब कम थे, लेकिन मिला जुला भी ठीक ठाक पत्रकारिता थी, पर ऐसा भी बहुत शानदार नहीं था, कभी कभी अच्छी खबरें हो जाती थी, हाँ मेन स्ट्रीम वाला, लेकिन उसमें जो मार्जिन की जर्नलिज्म था एक चैनल के भीतर भी कई तरह चलता था, चैनल मेन स्ट्रीम का हो सकता है लेकिन इसमें एक सोशल रिपोर्टिंग हो रही है वो उसके पूरे प्लेटफॉर्म में एक उसको मार्जिन की तरह देख सकते हैं, वो काम उसमें ठीक होता था। और कभी कभी घटना, क्योंकि उस वक्त तक हिंदी के रिपोर्टर बहुत अच्छे थे तो जब भी मौका मिलता था अच्छी रिपोर्टिंग कर देते, चाहे कोई भी चैनल हो, तो उसे लगता था कि नहीं ठीक है जर्नलिज्म का वो बेस है। 2014 के बाद जब बहुत सारे अंग्रेजी चैनल आ गए और भाषाएं बदली, खासकर अन्ना आंदोलन के समय उनको लगा कि हाँ अब वो सारे पाप धोने का एक नया मौका था, तो सब तिरंगा लेके गए, सब गए और एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो एक जर्नलिज्म के तेवर से वो मिक्स कर और उसमें जो चला। लेकिन जो बाद में अब जो अंग्रेजी चैनल आए हैं उनकी भाषा देख लीजिए, जो हिंदी की जो भाषा देख लीजिए, श्योर है कि आप अपने बच्चों से भी कहते हैं उनकी इसी तरह से बोलो और उनको भी इनकरेज करते हुए, ये भाषा तो नहीं है, मतलब आप सहमत हो नहीं सहमत हो ये क्या है, कोई हम खान थोड़ी तो लेंगे भाई, ये क्रिमिनल लॉ लैंग्वेज है, ये सभ्य समाज में बोलने की भाषा नहीं है, इसमें क्या सहमत असहमत होना, जो गलत बात होती है वो गलत बात होती है। तो ये सारी चीज़ें अब हिंदी हो या अंग्रेजी हो या दूसरी भाषाओं के टेलीविजन हो, अब क्वालिटी कॉन्टेंट सबका एक, मतलब खराब प्रोडक्ट जो है वो सब जगह एक ही जैसे, उस खराब प्रोडक्ट को पेश करने के लिए अलग अलग चेहरे रखते हैं। मैं आपको पहली बार मिला हूँ, मैं आपको पहले देखा, बट आपका सौभाग्य नहीं मेरा भी सौभाग्य है कि मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे पहले मिले आपका सौभाग्य, बट ऑल आई रियली बिलीव वेरी गुड पीपल टेक हैव द करेज टू से द ऑनेस्ट थिंग एंड फॉर द राइट, तो मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ कि आप ऑनेस्टी से पत्रकार करते हो, एक यू नो करेजियस पत्रकार करते हो। मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब जैसे IC-14 हुआ वो एक नेशनल इशू है और एक सेंसिटिव इशू है, जैसे अभी पुलवामा हुआ हमें अपने देश की साइड भी लेनी है और माहौल भी ऐसा, पर उसके अलावा भी देश की साइड भी लेनी और एक बैलेंस भी रखना है कि हम सरकार से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अपनी जो जॉब है सरकार से प्रश्न पूछने की वो एक फर्क हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखना चाहिए, हम जर्नलिस्ट मिलिट्री नहीं, जिस देश का उसके रोल के बहाने हम अपने रोल को मिस करते हैं, तो जो कमांडर लोग होते हैं उनको अपना जॉब मालूम होता है, हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उस घटना में हिला देने वाली घटना तो है, सबको ही हिला गया, लेकिन हो क्या रहा, जो भाषाएं उसमें जो चल रही उसमें वो क्या भाषा, क्या उस भाषा से हम देश का कोई पर्पस पूरा करते हैं, तो फिर क्या देश का पर्पस सिर्फ उस भाषा से पूरा होता है, क्या वो भाषा पहले भी थी कि इस तरह के हालात क्यों हैं, उनको सुलझाने के आप प्रयास क्या कर रहे हैं, उन प्रयासों के क्या नतीजे हैं, क्या ये सब बातों में शामिल है।
अच्छा, जब राज्यपाल कहते जा रहे हैं कि 2500 लोगों का काफिला नहीं निकल सकता, एक युद्धरत राज्य है हमेशा, और वहाँ तो किसी को बतानी नहीं है कि बहुत दिनों तक लड़ाई नहीं हुई, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आप भूल गए, 2500 लोगों का काफिला लेकर कैसे निकल सकता, ठीक। तो उदाहरण मैं देता हूँ कि जब इराक वॉर हुआ था, और आप इंटरनेट कर लीजिएगा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, तो नहीं बोला प्रधानमंत्री, लोग झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो जो बोले हमारे देश के भी बोलता है, सब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको क्वेश्चन किया जाता है, प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं, तो उसको क्वेश्चन किया जाता है, तो सिर्फ 80 सैनिक मरे, 80 या 82 सैनिक मरे इराक वॉर में ब्रिटिश आर्मी के, तो लोगों ने उसको क्वेश्चन कर दिया कि क्या आपका युद्ध में जाने का फैसला सही था, तो उस पर एक चिलकॉट वहाँ के होम सेक्रेटरी थे, पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जांच 8-10 सालों तक जांच की, 16,000 पन्ने की रिपोर्ट है, और जिस दिन वो रिपोर्ट लॉन्च हुई तो वो 80 परिवारों के लोग भी आए थे, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लेयर ने अपने हितों के लिए देश से झूठ बोला, और जब हमारी सेना तैयार नहीं थी, सेना होने का मतलब थोड़ी ना हम उसको हमेशा युद्ध में भेजते रहे, वो तो जाने के लिए तैयार, उसकी ट्रेनिंग ये है, पर हम कहाँ से किस बेसिस पे ओपिनियन बना रहे, जाओ जाके मार दो, तैयार तय करने दीजिए सरकार को, वो अपने टेबल पे सारे फैक्ट्स दे दे, हम उसको ये काम क्या वो सरकार चाहती है हमसे, क्या हम माहौल बना दें फिर वो एक्शन ले दें। तो क्या हुआ, चिलकट कमेटी ने जब रिपोर्ट लिखी, यही ब्रिटिश मीडिया था जो टाइम मैगजीन पे जब उसने ब्रिटिश वॉर पे लगाया तो केमिकल वेपन को नष्ट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ब्लेयर हमारा हीरो है, लेकिन उस जब वो रिपोर्ट रखी गई तो कहा गया कि जो ब्लेयर ने झूठ बोला था, और उसके अगले दिन जो अखबार छपे थे ब्रिटेन के, उसमें यही छपे थे कि सबसे बड़ा टेररिस्ट यही है, सबसे बड़ा अपराधी यही है, यही टोनी ब्लेयर, क्या हमारे देश में ये मुश्किल है, संभव है, देश का नाम लेने से ये क्यों हो जाता है कि हम सवाल पूछना बंद करते, देश का नाम लेने से ये क्यों हो जाता है कि हम डरना शुरू करते हैं, क्यों अपने क्रिटिकल होने से ही चीजें बेहतर बनती हैं, उसी से देश बेहतर बनता है, हम मार्च पास में हम नहीं है, सैनिक तैयारी कर रहे हैं, एक सैनिक की जिंदगी जाए वो जिंदगी कैलकुलेटेड होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कि हम यहाँ ताली बजा रहे हैं, हमें उसकी जिंदगी की कीमत इतनी हद इस हद तक करनी है कि उसकी जान किसी गलत फैसले से नहीं जानी चाहिए, अगर उसकी जान किसी के गलत फैसले से गई है, किसी की लापरवाही से गई है, तो उसकी क्वेश्चनिंग उसी वक्त होनी चाहिए जो नहीं हुई, और वो छोड़ के टेलीविजन चैनलों ने क्या किया, तो वो लिबरल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, अरे मैंने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 झूठ पकड़े हैं तो क्या मैं इस घटना के लिए मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ क्या, मुझे क्यों खोजा जा रहा है, अगर मैं शांति की बात कर रहा हूं, यहीं का एक एंकर यहां बैठे हुए तो वो ट्वीट करते हैं कि शांति प्रिय एंकर बोल रहे हैं, एंकर ललकार क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलूं, गीता आप पढ़िए, गीता में है कि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है पहली चैप्टर में, और उस पर जवाब क्या देता है कि ये कोई ट्वीट करता है कि ये कभी इलेक्शन दौरे पर निकलेंगे तो इनको मार देना, क्रैश कर देना, तो ये गलत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ जो मासूमियत से जो ड्रामा हो रहा था, ये क्या है ना, चीजें नहीं बर्बाद हुई है इस देश में, और इस देश के फैब्रिक को न्यूज चैनल के एंकर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आप मुझे जवाब दे सकते हैं, आप खुद जाकर पुराने इनके यूट्यूब पे चलाए हुए कार्यक्रमों को देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी राजनीतिक प्राथमिकता बदल दीजिए, आप पसंद करते रहिए, बस मालूम होना चाहिए आपको कि आप उस अपराध में शामिल थे, ये बात मालूम होनी चाहिए, जो किसी शायर को किसी लिबरल को जो खोजा गया था परसों रात में कि वो कहाँ है, तो फिर वो बताएं कि जब 13 दिसंबर को अर्धसैनिक बल आए थे तो कौन कौन था वहां, कोई गया था उनके लिए क्या, जब जब पारा मिलिट्री का जवान आता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए तब तो कोई नहीं जानता है सवाल पूछने की इनको क्यों नहीं मिलता, अभी ये माहौल बना है तो सबने कहा कि हम 1 करोड़ देंगे, अच्छी बात है ये माहौल बना है, अगर ये माहौल नहीं होता तो उसके पहले गुजरात में 4 लाख दिया जाता है, अलग अलग राज्यों की राशि क्यों है, मरा तो वो एक देश के लिए था ना, तो कोई एक राज्य उसको 50 लाख क्यों देगा और एक राज्य 4 लाख क्यों देगा,
3 लाख क्यों देगा और एक राज्य उसको 50 लाख क्यों देगा, और ये राज्यों पर क्यों छोड़ा जाए? क्यों गृह मंत्री को कहना पड़ता है कि राज्यों से भी हमने कहा कि उनको जो मुआवजा तो गलत शब्द है, पर उनके किसी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए, कोई इंतजाम नहीं। आप अर्धसैनिक बलों से जाकर पूछिए तो न्यूज चैनल से ये उम्मीद की जाती है कि वो संतुलन नहीं खोए। हमको हर परिस्थिति में अपने संतुलन को बनाए रखने की ज्यादा जरूरत है, हर परिस्थिति। हम अगर ललकार रहे हैं, फड़का रहे हैं, तो हम देश की भी मदद नहीं कर। अब आप देखिए कि उस समय लोग क्या बोल रहे हैं, आप राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, वो यही कह रहे हैं कि सांप्रदायिक भावनाओं को फड़काने का प्रयास नहीं होना चाहिए, संयम बरते। मुझे आप बताइए कि आप अगर वॉर में भी जा रहे हैं, ये हो करने से होता है वॉर क्या? क्योंकि वॉर की अपनी एक प्लानिंग होती है, उसकी एक रणनीति होती है, उसको जिसको भी करना होगा है ना। एंकर का एजेंडा, सरकार का प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा जो ये मिक्स कर रहा है ना, ठीक है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि मैं मार्जिनलाइज हो जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद नौकरी नहीं रहेगी, ये रहेगी, आप लोग सब खुशहाल रहेंगे, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि नफरत के इस माहौल में जो आप एक नया तरह का राष्ट्रवाद खींच रहे हैं, वो तो समझ में आती है ना बात, तो उस राष्ट्रवाद का रिजल्ट क्या है बता दो, रिजल्ट क्या है? मैं वही तो रिजल्ट पूछ रहा हूँ। क्या वो रिजल्ट सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है? 10 लाख टीचर नहीं है स्कूलों में, शिक्षा मंत्री आपका केवल चुनाव का प्रभारी बने रहते हैं, और 1 लाख प्रोफेसर नहीं है, उनको एजुकेशन पर कब बोलते आपने सुना है और राज्यों के प्रभारी बनते हुए कब सुना है? बताइए कि किसने ये सवाल किया इस देश? यही करता हूं और ये जानते हुए करता हूं कि मेरी जिंदगी इस प्रोफेशन में छोटी हो गई, तब भी मैं करता हूं, क्योंकि मैं बता के जा रहा हूं कि उनके लिए ताली बजाने वाले भी अपराधी हैं, और वो जो न्यूज चैनल में चाहे जिंदगी की आती आती है अनुराग जी, वो भी अपराधी हैं, और आप भी अपने कमरे में बैठकर जब भी सोचेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये गलत होगा। वो जो ड्रामा यहाँ जो रच रहे थे कि जनता ये चाहती, जनता बता के गई है, उसी दिन मुझे 4000 मैसेज ये आया कि हमारी नौकरी का तो अब नहीं उठेगा मामला, ये भी तो जनता है ना। ये एक जो आया है इसको हमको पहचानना पड़ेगा। आप ठीक है, आप सहमत हो नहीं सहमत हो, इससे वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप जर्नलिस्ट का काम होता है आपके सेंस को बनाए रखना हर परिस्थिति में, जब भी वो जिसका भी सहारा लेकर आपके सेंसेस को वो भड़का रहा है, उबाल रहा है, इसका मतलब वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा, उसका इरादा कुछ और, इतना फोटो क्लियर होना चाहिए। मैं इसका एक काउंटर पॉइंट देता हूं, मैं सहमत हूं आपसे। नहीं, आप बिल्कुल काउंटर पॉइंट दीजिए। और सहमत हूं मैं, 7 साल पहले इस काम मेरे को अपना रिपोर्ट दिए इस काम में, और मैं क्योंकि न्यूज जंकी हूं एज अ व्यूअर, मैं पिछले जब से न्यूज चैनल में देख रहा हूं, स्वागत करेंगे, आइए। आयुष्मान भारत के लिए देश में डॉक्टर नीति बनाते हैं। The norm of the day is that the kind of journalism was not balanced. Today it is about taking a side. And he said it's not necessarily bad. What are we? हाँ बिल्कुल, अगर आप साइड लें तो जनता का साइड लीजिए, उसकी नौकरी, उसकी शिक्षा का साइड लीजिए, अस्पताल की साइड लीजिए, कौन मना कर रहा है कि साइड नहीं लेंगे? आप सांप्रदायिकता का साइड लेंगे राष्ट्रवाद के नाम पे, तो वो साइड हमको समझ में आती है ना। चुनाव जीत जाने से सारे सत्य की भविष्यवाणी नहीं हो जाती, वहां से काम शुरू होता है। जो झूठ बोला गया है उसको लेके लोग उसके काम को परखते हैं। तो बताइए कि इन चैनलों में आपने धार्मिक प्रोपेगेंडा के अलावा कब जनता के सवाल देखे? जरा सा बताइए, बोल के देख लीजिए जरा सा। जब किसान आए थे 2 दिन के लिए दिल्ली में, तो कौन लोग वहां पर थे? देख लीजिए जाकर उनके सवालों को लेकर क्या चल रहा, देखिए 5 साल का देखिए रिकॉर्ड। इसका समाधान नहीं है, समाधान बहुत मुश्किल है, देखिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर टूट गया। ये क्यों हुआ? न्यूज रूम का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, उसको रिपोर्टर हटा दिया गया, अब ये 5 एंकर हैं और इनको कोई काम नहीं है, एक्चुअल में काम नहीं है। अब अखबार में एक राजनाथ सिंह का बयान है, ठीक है, मान लीजिए सिद्धू का कोई बयान है, तो
तो सिद्धू ने बयान दिया फालतू सा, अब एंकर बैठ गया, दो प्रवक्ताओं को कोई काम नहीं है, वो भी चले आते हैं। इनका 40% सैलरी काटे, क्योंकि काम ही नहीं करते हैं, काम मैं करता हूँ। आप मेरा प्रोग्राम देखिए, जो रिसर्च होता है उसमें मैं काम करता हूँ, आपको पता चल जाए। तो सिद्धू ने फालतू सा बयान दिया, घनश्याम जी आ रहे हैं और इधर से आ रहे हैं कांग्रेस से, आपकी पार्टी के नेता, हाँ जी देखिए मोदी जी ने भी वैसा फालतू बयान दिया था। तो ये फालतू फालतू होता है, इसमें कितना काम लगता है, टेल मी कितना काम लगता है, आप मुझे बताइए, आप ही यहाँ बैठे हैं, बताइए कितना काम लगता है। आप ही जब कह रहे हैं हमको टीआरपी के लिए नंबर वन बने रहना जरूरी है, इसका मतलब आप पैसा कमाते हैं। मैं नहीं जानता, हम तो मानते हैं फ्रॉड होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा नाम है, सामना करता है।
हाँ उसके जो बायसेस उसके जो कुंठाएं हैं उससे मिलता है। अगर मैं बोल्ड सवाल पूछ दूं तो कहेगा हाँ ये मेरा आंसर सही है, तो मैं सबको ऐसा कर देंगे। हाँ ऐसा कर देते हैं तो प्लेइंग टू द गैलरी का आप क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा इसको लाइट करते हैं। नहीं मैं लाइट ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे आज पता तो लग गया कि आप ऐसे क्यों हैं, क्योंकि मेरी मदर बिल्कुल ऐसी है और मुझे अभी पता लगा कि आप मेरी मदर के साथ बर्थडे बिल्कुल ऐसी है। वो पता नहीं रहा है लेकिन वो बिल्कुल ऐसी है। मेरे और मेरी बहन को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरी बीवी और मेरी मदर के बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा पता लगा कि आप बचपन में छोटे थे तो आप अपने पिताजी से बहुत डर लगता था और आप सबसे दोस्तों को डरते थे मेरे पिताजी ऐसे। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बताया गया कि वो आपकी सरकास्टिक ह्यूमर है, विटीनेस है, हाजिर जवाबी है और सच बोलने का जो मादा है अपने पिताजी से आता क्या है? नहीं पूरी तरह से ठीक नहीं है, जरूर मैं डरता था लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ शिक्षकों से सीखा, कुछ आसपास के लोगों से भी सीखा, कुछ दोस्तों से भी सीखा और उनका बड़ा रोल है और ज़रूर मैं डरता हूँ ऐसी बात नहीं है। शायद इसीलिए मेरी चिंताएँ ज़्यादा हैं, जिस दिन मैं डरना बंद कर दूँगा या तो नहीं डरता है मैं उसको कभी बहादुर नहीं हूँ, उसमें वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, उसको डर ना लगे उसको कभी भी पावर पोजिशन को नहीं जाता। ये याद रखिए घर में भी यही सिखाया जाता है, हाँ घर में भी यही सिखाया जाता है ऊपर वाले से डर, अगर यहाँ से तुम्हें किसी से नहीं डरना है तो उससे डर या मेरे को तो डर लगता है, लेकिन हर इस डर को मैं हर दिन लड़ता हूँ, कभी नहीं लड़ पाता हूँ। बताने का मकसद ये है कि आप ये ना समझे कि कोई खली साहब आ गए हैं और अपना हर किसी को पटक के मारे हुए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल डर और बहुत घबराहट भी होती है, कई बार लगता नहीं है कि इस तरह के जो माहौल बना दिए मैंने मैं और कितना रिस्क ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। कोई इस तरह से लिखेगा, किसी ने लिखा चार दिन पहले मुझे मैसेज किया कि साला तुम हिंदू विरोधी है, तुम मिलेगा तो तुमको काट डालेंगे, पहली बार नहीं आ सकता है। तो लोग मैसेज करते हैं कि तुम गद्दार हो, ये इस तरह का मैसेज कर रहे हैं। ये नैरेटिव और ये जो साहस कहाँ से आए, माने ना माने यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हो तो मैं उन्हीं को कहता कि ये आपकी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है, कल्चरल प्रोडक्ट है, किसी को गद्दार समझ नहीं आया, ठीक है। तो अब वो बात रहने दीजिए, उसमें ये माहौल तो बन गया है कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप किसी को ये कह रहे हैं कि कुछ हिंदू के रूप में काट देंगे, बिल्कुल गलत है। मैं रोज इस तरह का जब भी मैसेज खोलता हूँ तो 100 इस तरह के मैसेज आपकी हाँ कि मार देंगे तुमको, तुम गद्दार हो, तुम गालियाँ दी होती हैं, परिवारों के नाम पे बहुत तरह का मैसेजेस निकाला होता है, बच्चों के साथ खा रहे होते हैं तो आके वहाँ पर वो गाली देते चले जाते हैं, ये क्या है? ये इंटाइटलमेंट कहाँ से आया? ये इंटाइटलमेंट इस पॉलिटिक्स से आया है जिसको वो लीड कर रहा है, हमारे को संरक्षण उनकी भाषा भी मैं ठीक से समझता हूँ जिसको वो लीड कर, ठीक है। तो वो सब हम टीवी का ड्रामा, टीवी का लैंग्वेज सब समझते हैं, यही इंटाइटलमेंट आया है। तो पहले जो बीजेपी के लोग होते थे हम जाते थे तो उनका सेक्रेटरी खबर देता था ये जरा मंत्री जी को जरा कसी बड़ा हीरो बन गया, इनके लिए इतना हम लोग काम किया, हमें लोगों को नहीं पूछना, तो वही खबर दे देता था, फिक्र ऐसा ही नहीं है। तो कार्यकर्ता तब का बहुत अच्छा होता था, अब उन कार्यकर्ताओं को इस तरह से बदल दिया, तो उस तरह का बदल दिया गया है। अब तो 2 साल से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे शो में नहीं आते, पूरे गांव गांव में घूम कर बोलते रहते हैं कि हम दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी हैं और मेरे प्रवक्ता मेरे काम के अंदर प्रवक्ता नहीं भेज पाते, तो अब क्या किया जाए? आप मुझसे पूछिए पी सकते हैं आइए, आप वैसे भी 4-4 घंटा भाषण देते रहते हैं, 2-2 घंटा इंटरव्यू देते रहते थे, कैसे ही लाइव हो जाए बातचीत, इसमें क्या है? इसमें क्या है? लास्ट में कोई बात कर रही थी, आप पढ़ते बहुत है, किताबों का बहुत शौक है आपको और आप इस तरह की आपको 300-400 पन्नों की किताब लिखी और पूरी रात पढ़ लिए अपने साथियों को बताया कि इस किताब में क्या है। हाँ अनुराग जी, इसलिए भी बताता हूँ जितने भी कॉलेज हैं
जिसमें 75% कॉलेज रूरल एरिया के उत्तर में, हमारी यूनिवर्सिटी कबाड़ है, कबाड़ कर दी गई है, कोई बड़ी बात नहीं, उसकी भी हम रैंकिंग करते हैं, कबाड़ों में से चुनते हैं, ये नंबर होने नंबर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी किसी लायक बची है आप बताइए ना। तो क्या होता है कि एक हमारे देश में कई तरह की असमानताएं हैं, उसमें ज्ञान की असमानता, नॉलेज इनइक्वालिटी, और इसके सफरत हम भी रहे हैं, इसके सफरत हर कोई अपने अपने लेवल पर रहा। जब मैं दिल्ली आया तो संयोग से मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहा जो काफ़ी पढ़ते थे, और मैंने देखा कि पढ़ने से उनके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव है, उनके सक्सेस में उसका रोल नज़र आता था, और तब मैं लगता था कि ये क्या बात है। तब हम अपने राज्य में या अपने परिवार में खासकर जो इंडियन मेल होता है जब दहेज लेकर शादी करता है उस पर पढ़ना बंद करता, मैंने दिया था, हाँ आपने दिया था वो चली कोई बात नहीं, लेकिन वो इंडियन मेल पढ़ता नहीं, आप वो खुद से पूछ लीजिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आप शादी के बाद इंजीनियर बन गए, चीफ इंजीनियर बनने तक भी दो किताब एक्स्ट्रा नहीं थी। तो एक तरह से लिटरेट होने के बाद भी हम अपनी लिटरेसी को जारी रखते हैं, सिर्फ परसेप्शन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा है मोदी, बड़ा खराब है राहुल, बड़ा अच्छा है राहुल, बड़ा खराब है मोदी। पढ़ना चाहिए, पढ़िए, देखिए, पॉलिटिक्स को और समझिए। पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि जिन दोस्तों को मैंने पढ़ते देखा था उनकी एक कमियां भी देखी, वो किताब को उपभोग करते पढ़ते थे सारी किताबें, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं थे, लिखते नहीं थे। तो मैं अगर कोई किताब पढ़ लूंगा तो मैं अपने हिंदी के पाठकों के लिए उसका एक सार जरूर लिखता हूँ, ये वो किताब है, घबराना नहीं है, और यही दुनिया में इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, और ये किताब के प्रकाशक का नाम ये है, दाम इतना है, तुम खरीद सकते हो, अमेजन पर बिकता है और वहाँ पे खान मार्केट में बाहरी संस्था मिलता है। तो मुझे ऐसा करते हुए अच्छा लगता है, और हमेशा अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए, उसमें घबराने की बात नहीं है, इससे आपके तरह के लोग बनते हैं और सोसाइटी में कॉन्फिडेंट लोग आते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या रोल प्ले करता है, हम आजकल टीवी वाले परसेप्शन ज़्यादा फैलाते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो एक कॉन्फिडेंट सोसाइटी बने। ये तो भाषा है गालियों की, वो कॉन्फिडेंट लोगों की गाली थोड़ी है, दिन भर डरे रहते हैं और यार नहीं हार गया तो चलो इसको गद्दार बना दो, इसको ये कर दो वो कर दो। तो जब तक हम इन्फॉर्मेशन के ट्रेंड पर लौट के नहीं जाएंगे ना, हम इस फील्ड को जो इसको आज लीड कर रहे हैं वो भी नहीं संभाल पाए। और कभी कभी उसका लक्षण दिखता है, जब वो इंपेशेंट होता है अपने उसी आदरणीय नेता के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है जो अभी बोलने लगता है। तो मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में कई तरह की अशोभनीय बातें कही जा रही हैं, जो इस वक्त आप आलोचना खुद की थी, उसमें कोई डर की बात नहीं, लेकिन अशोभनीय बात छोड़ दीजिए। I think on that positive note, we'll end it and get two questions from the audience because we have the pleasure of having Ramesh ji here. And Sanket will ask this, where is the mic? There are a lot of people here. Some people are going with Dara, so you are going with Dara. Dara is going to end your life. Look, yes, you have said that your life will end your life. But I know that Ganga is going to be destroyed. So no one should be able to save Ganga. ये मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जिंदगी में एक भूमिका है कर लिए। हम इतने बहादुर, जैसे मैंने कहा कि मैं शेर बहादुर आदमी नहीं हूँ ना, मेरे मैंने अभी तक अपना सीना नापा है, लेकिन लेकिन थोड़ा बोल के देखना चाहिए अपनी जिंदगी में, अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से। ठीक है, हो सकता है कि आज चल के मैं ही गलत साबित हो जाऊँ, कोई बात नहीं, बोल के देखना चाहिए। आपके पड़ोस में रहता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, आज की तारीख में मीडिया का चाल चरित्र चेहरा क्या है आपके हिसाब से? तीन लाइन में आप सो रहे थे ना बाहर के कमरे में, जानना चाहता हूँ केवल प्रिंट में। ये जो आप देखते हैं क्वेश्चन है ना, ये ठीक नहीं है। आप खुद भी जान रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मगर टी वी का अखबारों का तो बहुत बुरा हाल है। आप अगर अखबार में, अभी मैं एक अखबार की समीक्षा कर रहा हूँ, बताइए 80-80 खबरें हैं और उसमें कोई बाइलाइन नहीं है, तो क्या है? तो आप पत्रकार की आइडेंटिटी पता है क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि खबरों की भी आइडेंटिटी खत्म हो, उसकी पहचान खत्म हो जाए, तब आप एजेंडा प्रोपेगेंडा करते हो। तो ठीक तो नहीं है, मतलब वो काफ़ी विस्तार से आप मेरा फेसबुक पेज पढ़ सकते हैं,
जो भी आप क्षमा कर सकें ये संतुलित समय समय पर कभी कभी ये काम कर जाता है, अच्छा काम कर जाता है। हो सकता है कई बार हम लोग स्लिप करते हैं, मैं कई बार उच्चारण में गलती कर देता हूँ या कई बार स्लिप हो गया बोलने में, आप गलत बोल दिए तो लोग बोलते हैं वो ठीक है और कभी कभी ये काम करता है। पर अब देखिए सोशल मीडिया कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, देखिए ये सब लीनियर उसमें है, पावर, पॉलिटिकल पार्टी, एजेंडा, डंडा और फिर टीवी, अखबार और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे भी कौन लोग, आधे लोग तो डर के मारे लिखते नहीं है कि जेल ना चले जाए, कुछ लिख देगा तो कोई कार्रवाई ना हो जाए, FIR ना हो जाए। तो कभी कभी वो एक ऐसा मौका आता है जिसमें लोग इम्पैक्ट कर देते हैं, लेकिन आम तौर पे सोशल मीडिया का चरित्र भी बहुत आशावान तो नहीं दिखता। इसलिए भी पता है जानकारी जुटा के आप आलोचना कीजिए ना या किसी का सपोर्ट कीजिए तो बात आगे बढ़े, वो चीज प्रवृत्ति तो नहीं है। We all we have Mr. Sajjad on here. We have a spokesperson panel. We have a CEO keynote. So yes, sir. Ravi ji, सच्चाई कर्मी होती है, but आपने तो हारी। नहीं ऐसा तो ना, मैं तो इसे एक अपने किसी से भी सवाल तो कर जाता हूँ। आज भी लोग हैं भारत में जो चाहते हैं टीवी चैनल्स, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं उनको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन वो खुद न्यूज चैनल ऑन करके तय कर रहे तो क्या वो अपनी जिंदगी किस चैनल के हिसाब से बर्बाद करना चाहते हैं, फैसला उनका होगा कि इसकी तरह चीखते हुए किसी को भड़काना है भीड़ को, इसकी तरह चीखते हुए किसी नेता के कदमों में फकीर ही कहाँ से आए, फकीर ही कहाँ से सत्ता के सबसे शिखर पर बैठे हैं, पूछा जा रहा है फकीरी कहां से आता, छोड़ जाइए ना तो आ गई है फकीरी कहां। तो इस तरह से जो पतन आया है कि उसको देख के तय कर ले कि किसके जैसा क्या बनना है, बहुत मुश्किल है। पत्रकार बनने की जो लड़ाई है या बनने की जो यात्रा है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत है। अगर आप पत्रकार किसी भी तरीके से ठीक ठाक बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़ चैनल अब आपको पत्रकार बनने देगा, क्योंकि उसको हमेशा कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी की खिदमत में किसी को पेश कर सके। मैं तो बहुत कम टीवी देखता हूँ, भारत में तो कोई नहीं है, भारत के बाहर भी उतना तो मैंने कभी टीवी नहीं देखा। एक BBC के बड़े बुजुर्ग से जर्नलिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो काफ़ी बहुत रिपोर्टिंग करते थे, हाँ एक और मूवी के साथ से थे, अभी मैं नाम लूँगा, तो उनकी रिपोर्टिंग ग्राउंड से मुझे आपका फेवरेट स्पोक्सपर्सन कौन सा है? प्रवक्ताओं में ऐसा है क्या अभी तो इस पर टिप्पणी नहीं है, दो तीन साल से तो प्रवक्ता लोग भाग ही गए हैं, उन्होंने एक पार्टी में भाग गए तो दूसरे को बुला कर मैं अकेले क्या कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता सिस्टम ठीक नहीं है। क्या है कि राजनीतिक दल में हम लोग चाहे जितना भी आलोचना करते हैं पर कोई कोई MP को मौका मिलता है, जैसे कोई MP है जो शिक्षा के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, तो वो MP जो है शिक्षा की हालत पे उसको एक एक्सेस होता है, उसकी उसको जाना पड़ता है, बहुत तरह के उसके अटेंडेंस लगते हैं, तो एक प्रवक्ता से ज़्यादा बढ़िया होता है। तो क्या हुआ कि जिस तरह से एंकर को कम करके न्यूज़ के कंटेंट को कंट्रोल किया जा रहा था, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी में भी हुआ है कि तीन प्रवक्ताओं को नियुक्त कर दिया गया हुई हुई करने के लिए, ठीक है। और जो पढ़े लिखे सांसद हैं जो जानते हैं, जैसे क्यों जरूरी है कि घनश्याम जी इनकम टैक्स पर बोले, है ना, तो घनश्याम जी की पार्टी से किसको आना चाहिए इनकम टैक्स पर बोले। मान लीजिए कि अगर उनकी पार्टी का कोई सांसद फाइनेंस की किसी कमेटी में देख रहा है, वो आए तो नया एक नजरिया मिलेगा। तो और ये प्रवक्ताओं को भी सोचना चाहिए कि हम कोई मैच जीतने के लिए यहाँ नहीं आए, उनकी एक राय है, कभी कभी डिबेट में आप पॉइंट हारिए, इससे आपकी पार्टी अच्छी होगी, इससे देश का पॉलिटिकल कल्चर साहसिक होगा। हर दिन आप जीतने के हिसाब से मत आइए, तो ये बदलाव हो जाए तो बहुत अच्छा है।